हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं गेहूं के आटे का गर्मा गर्म नाश्ता बनाने जा रही हूं, तो आप मेरे चैनल पर बने रहे और देखें कि कैसे बनाते हैं। जो आटा बचा हुआ था उसका बनाने के लिए दो आलू लेंगे और आलू को कस कर लेंगे, जैसे कद्दूकस किया जाता है ऐसे साफ़ करके। कस करने के बाद धो लेंगे। धोने के बाद बैंगन, परवल की सब्ज़ी, प्याज जो भी हो, या अगर बंदा गोभी हो या गोभी हो, जो भी डाल सकते हैं, आपको पसंदीदा वेजिटेबल हो। हरा मिर्च डाल देंगे बारीक कटा हुआ, धनिया डालेंगे, उसके बाद मसाला डालेंगे, जीरा मिर्च का पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, आमचूर पाउडर डालेंगे, हल्दी डालेंगे और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक डालेंगे तो इसमें से पानी छोड़ देगा। नमक बाद में डालेंगे। आटा रोटी बनाने के बाद आटा बचा हुआ था उसी का मैं नाश्ता बना रही हूँ। अच्छे से गूंथ करके रोटी बेल लेंगे, चार रोटी बेल लेंगे और इसके बाद इसमें नमक डालेंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें चटनी तैयार कर लिया है, रेड चटनी और ग्रीन चटनी। चटनी डालेंगे, धनिया का चटनी है, ग्रीन चटनी, आप चाहे तो मीठा चटनी भी डाल सकते हैं, आपको जो पसंद हो डाल सकते हैं, तीखा या मीठा चटनी। मैंने तीखा चटनी डाला है। इसमें जो सब्जी तैयार करके रखा था उसको डालेंगे, अच्छे से फैला लेंगे चारों तरफ से। उसके बाद दूसरा रोटी रखेंगे। मैंने चार रोटी बेल करके रखा था, अच्छे से इसको दाब देंगे। फिर इसमें रेड चटनी लगाएंगे। रेड चटनी अच्छे से लगाने के बाद वेजिटेबल रखेंगे अच्छे से चारों तरफ से फैला करके, जैसे मैंने उसको रखा था। और इसको डालने के बाद फिर से एक और रोटी ऊपर से डालेंगे। फिर से ग्रीन चटनी डालेंगे, फिर से वेजिटेबल डालेंगे अच्छे से फैला करके। और ऊपर से एक और रोटी रख देंगे। ऊपर से रोटी रखने के बाद इसका मुंह बंद कर देंगे अच्छे से और फिर इसको स्टीम कर लेंगे। तो स्टीम करने के लिए आप जैसे चाहें कर सकते हैं। मैं पानी गर्म करके और छलनी में रख करके स्टीम कर रही हूँ। ये आसान तरीका मैंने बता दिया है, घरेलू तरीका, कोई भी कर सकते हैं। तो अच्छे से स्टीम हो चुका है, इसको कट कर लेंगे। स्टीम आप 7 से 8 मिनट कर सकते हैं, ज़्यादा देर नहीं करें। अच्छे से कट करने के बाद आप चाहे तो ऐसे भी बिना छाने हुए, फ्राई किए हुए बिना खा सकते हैं, स्टीम किया हुआ, और ऑयली पसंद ना हो तो। क्योंकि ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है अगर आप खाना चाहें तो। काफ़ी अच्छा पक चुका है, ऐसे भी खाया जा सकता है। अगर इसको फ्राई करने का मन हो तो थोड़ी सी मैदा लेंगे, 2 चम्मच मैदा, और नमक डालेंगे इसमें थोड़ी सी, और इसका घोल तैयार कर लेंगे, बैटर तैयार कर लेंगे। ना ही ज़्यादा पतला रखेंगे, ना ही ज़्यादा गाढ़ा, मीडियम रखेंगे इसको। और इधर तेल गरम कर रहे हैं, कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है, गरम हो चुका है। अब इसमें बैटर में डालेंगे इसको, और तेल में, तेल गरम हो चुका है, तेल में डालेंगे इसको। गैस को रखेंगे मीडियम फ्लेम पे और एक साइड से अच्छे से 5 मिनट पकाएंगे इसको। थोड़ा देखते रहेंगे कि ये चिपके ना। 5 मिनट लगभग हो चुका है, अब पलटेंगे इसको। एक तरफ से ब्राउन हो चुका है, तो पलट लेंगे। और पलटने के बाद फिर से 5 मिनट पकाएंगे अच्छे से। क्रिस्पी बना रहे एकदम, अच्छे से पक जाए। जब अच्छे से ब्राउन दिखने लगे तो देखिए बहुत ही अच्छे से पक चुका है, अब निकाल लेंगे। देखिए मेरा ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही अच्छा बना है। आप इसको चटनी के साथ खा सकते हैं, मीठा चटनी या तीखा चटनी, आपको जो पसंद हो।
बहुत ही अच्छा गर्मा गर्म नाश्ता तैयार हो चुका है। आप अपने किचन में इसे ट्राई करें, आई होप आपको बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही टेस्टी बना है। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते